जो है संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और उनको अपने घर अपना इलाज मतलब आराम कर रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक है। इस बीच जो सरकार का दिशा निर्देश दिया गया है, इसमें बड़े शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब बंद करने का आदेश दिया गया है और बाज़ारों में भीड़ भाड़ ना हो तो अल्टरनेट व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया गया है कि एक जगह का। कोलकाता समाचार बक्सर से बाहर रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। बक्सर में भयल कोरोना विस्फोट, 5 लोग के भयल मौत, 1000 के आसपास पहुंचल संक्रमण के आंकड़ा। हजारों प्रवासी के प्रतिदिन अइला के सिलसिला जारी, हालात हो सकता गंभीर। खबर का वह विस्तार से जानी। बक्सर में कोरोना संक्रमण अब भयंकर रूप में दिखे लगल बा, जौना तेजी से संक्रमित मरीज के मिले के सिलसिला जारी बा। जिला में 57,249 लोग के सैंपल जांच खातिर भेजल गए रहे, जौना में 51,283 लोग के सैंपल के रिपोर्ट मिल गई बा। मिलल रिपोर्ट के अनुसार जिला में संक्रमित मरीज की संख्या 938 हो गई बा। ओजे 19 अप्रैल के मिलल रिपोर्ट के अनुसार 50,345 लोग के जाँच रिपोर्ट निगेटिव आयल रहे। रिपोर्ट अभी 5,966 लोग के रिपोर्ट आवल बाकी बा। मिलल जानकारी के अनुसार 86 लोग कोरोना पे संक्रमण पे विजय पाले बने, संक्रमण के चपेट में आके मरे वाला की संख्या 5 हो गई बा। जिला में सक्रिय संक्रमित मरीज की संख्या 847 हो गई बा। जिला में 386 को कंटेनमेंट जोन बनावल हुआ। यह मामला की जानकारी देते जिला सूचना पदाधिकारी कन्हैया कुमार जानकारी देते बतैनी कि कोरोना गाइडलाइन लागू करे खातिर दिन रात प्रशासन लागल बा। हम लोग सभी अपील के साथ जिला में बढ़त मरीज की संख्या आ मौत के चौंकावे वाला आंकड़ा चिंता के विषय बा। जिला सूचना पदाधिकारी आंकड़ा के साथ बतैनी कि जिला प्रशासन आ जिला के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सुविधा से लैस कर गए बा। बता दी जौना तरीका से रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगा था, जौना तरीका से प्रवासी मजदूर आवता रहे। आप एक बार वीडियो भी भोजपुरी समाचार चलेगा उसमें देखल कि कैसे स्टेशन से लोग भागे लगल बिना जाँचे करे। लोग के जिम्मेवारी समझे के होई, कम से कम अगर अन्य राज्य से आवता नहीं तो एहतियातन रौदे सुरक्षा खातिर और परिवार के सुरक्षा खातिर विभाग व्यवस्था कैले बा ताकि और कोरोना जाँच हो सके। कहीं ऐसा मत हो कि रौरा तो लेके अले बनी दोस्तों के दे दी, अब पूरा जिला यह कोरोना संक्रमण के चपेट में आ जाओ। ऐसे भोजपुरी समाचार के दर्शक लोग से अनुरोध करता कि जो भी प्रवासी मजदूर आवे जिम्मेवारी समझत ऐसा लोग के खुद से भी जांच कराई ताकि जिला कम से कम सुरक्षित रहे। हालांकि मौत के आंकड़ा बढ़ रहा बा, कोरोना संक्रमण के भी आंकड़ा बढ़ रहा बा। कहीं ना कहीं लापरवाही बतुए लोग के लापरवाही, प्रशासन कहाँ कहाँ रोरा सबके सहायता करी। खुद से जब तक रोरा जिम्मेवार ना हो कब, खुद से रोरा समझदार ना हो कब, तब तक कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त कर जा सकत। ये कोरोना पर विजय प्राप्त करे खातिर हर एक व्यक्ति के जागरूक होके के पड़ी, तब जाके हमनी के ये खतरनाक वायरस को विजय प्राप्त कर सकी जा। सूचना जनसंपर्क मंत्रालय हुआ है और काफी भीड़ देखा जा रहा है जी। जैसे कि अभी आपके द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है, इस सक्षम प्राधिकार के पास या उनके पास अभी ये सूचना, मैं तुरंत ये फॉरवर्ड करूंगा और नियमानुसार कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। क्या क्या दिशा निर्देश है सर? दिशा निर्देश बाजारों के लिए दिशा निर्देश है कि नवीनतम दिशा निर्देश पूर्व में वो 7 बजे था, अब वो 6 बजे उसका टाइम कर दिया गया है। 6 बजे से पूर्णतः सारे दुकान बंद हो जाएंगे। होटलों में बैठकर खाने की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गया है, अब सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे लोग, बैठ के खाने की व्यवस्था अब नहीं रहेगी। और होम डिलीवरी भी 9 बजे रात्रि के पूर्व तक ही रहेगी, क्योंकि 9 बजे से पूर्णतः कर्फ्यू लगना है, 9 बजे से और 6 बजे प्रातः तक। इस बीच किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, अत्यावश्यक सेवाएँ जारी रहेंगी और यात्रीगण अपने रेल यात्री अपने रेलवे टिकट का, बस यात्री अपने बस के टिकट का, वो अपना कर्फ्यू पास के रूप में उसका उपयोग कर सकेंगे। पाए गए हैं और क्या स्थिति है जी? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है। अभी तक हमारे यहाँ कुल जाँच जो है 57,249 जाँच हुए हैं, जिनमें से एक्टिव केस जो है 847 मिले हैं
और उनको एक्टिव केस को देखते हुए 368 एक्टिव कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिनको अब जो नवीनतम दिशा निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार अब बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। और मृत्यु 5 की सूचना प्राप्त है, 3 पूर्व में हुई थी, 2 अभी तुरंत नई अब ये आई है, सूचना भी आई है। इसमें एक सकारात्मक है कि कुल हमारे 86 जो हैं संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और उनको अपने घर अपना इलाज मतलब आराम कर रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक है। इस बीच जो सरकार का दिशा निर्देश दिया गया है, इसमें बड़े शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल ये सब बंद करने का आदेश दिया गया है और बाज़ारों में भीड़ भाड़ ना हो तो अल्टरनेट व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया गया है कि एक जगह का मोहल्ला का एक दिन खुले, फिर नेक्स्ट डे कोई दूसरा मोहल्ला का खुले, इस टाइप की व्यवस्था भी की जा सकती है बाज़ार का भीड़ भाड़ को देखते हुए। लोगों से अपील है कि अभी घर में रहें, ज़्यादा सुरक्षित रहें और घर से बाहर आवश्यकता अनुसार ही निकलें और जब भी निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। जिन भाइयों के पास मास्क तत्काल उपलब्ध नहीं है वो रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, गमछा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने नाक और मुंह को निश्चित रूप से ढकें। ये आपके और आपके परिवार के स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है।